सारी सौगातें दी है आपने इंदौर में आवास से लेकर छात्रावास तक, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ये शुरुआत है, अब तो ये ट्रेलर है जो होने वाला है। अभी तो ये शुरुआत है, अब तो ये ट्रेलर है जो होने वाला है। तो आगे आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा, मेरे तो लगभग 120 दिन हुए हैं। तो 120 दिन में जो संभव था, जो परिवर्तन करना था, ये परिवर्तन हुआ है। सर, मध्य प्रदेश के अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं, विधायक के बाद पार्षद भी जो है बैठ लेकर बोल रहे हैं। सर, लगातार कानून हाथ में ले रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ये इनकी आदत बन गई थी, ये उजागर नहीं होती थी पिछले 15 साल में, अब ये उजागर हो गई है। और इसमें कार्रवाई पुलिस ने करी है, पुलिस कानून की रक्षा करती है, पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, मैं पुलिस को बधाई देता हूँ। इस प्रकार की और जितनी भी घटनाएं हुई उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करें। सर, मॉब लिंचिंग हुई थी राजस्थान में पहलू खान पर, उसी पर चार्जशीट दाखिल कर दी है पुलिस ने, क्या कहना चाहिए? जो मॉब, जिसकी मौत हो गई उसी के खिलाफ। देखिए, मोदी जी ने खुद कहा है कि वो मॉब लिंचिंग की उन्होंने कड़ी आलोचना करी है, कड़ी निंदा करी है। तो मॉब लिंचिंग तो गैर कानूनी, ये कोई किसी का कोई अधिकार नहीं है कि वह कानून को अपने हाथों में ले। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।